हेलो एवरीवन गाइस, आप सबको पता है आपको आज तक इंग्लिश ना आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? गाइस, आपने कई बार ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन कोर्स परचेज करके इंग्लिश सीखने की कोशिश की होगी, लेकिन आज भी आप क्या एक सेंटेंस इंग्लिश में कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाते हो? गाइस ट्राई करो, आप नहीं बोल पाते हो, आज भी आप मिस्टेक करते हो। आज भी जब चार आदमियों के सामने आप खड़े होते हो ना, चार इंसान के सामने, तो आप इंग्लिश बोलने में गाइस वाइब्रेट होते हो, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। क्यों, आपने कभी नोटिस किया है ऐसा क्यों आपके साथ होता है? गाइस इसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है कि आप चाहे एक महीने की बात करो या तीन महीने की बात करो या फिर आप छह महीने की बात करो, गाइस आप छह महीने का कोर्स करते हो या तीन महीने का करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑनलाइन करो या ऑफलाइन। फर्क उससे पड़ता है कि आप उस तीन महीने के अंदर या छह महीने के अंदर कितनी शिद्दत से, कितने प्यार से उस कोर्स के साथ अपना डेडिकेटेड रहते हो, राइट? अगर आप तीन महीने का कोर्स कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप तीन महीने गाइस आपको नोटबुक लेके बैठना है। अगर आप मेरे वीडियो भी देखते हो ना गाइस, आपको नोटबुक लेके बैठना है, नोटबुक के साथ पेन लेके बैठना है, नोट करना है आपको कि ये नोट है, ये चैप्टर है, ये रिविजन है, ये टेंस है, ये पैसिव वॉइस है। बिकॉज होगा क्या, अगर आप खाली वीडियो देख के चले जाते हो, इससे क्या होता है, आपने वीडियो तो देख लिया, अरे भाई साहब ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो थोड़ी ना है कि आपने दो मिनट या पांच मिनट देख के आपने एंजॉय कर लिया। गाइस इट्स एन एजुकेशनल वीडियो, यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन दैट, बिकॉज अंटिल और अनलेस इफ यू विल नॉट बी रेगुलर, इफ यू विल नॉट बी कंसिस्टेंटली डूइंग दैट वर्क, गाइस यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश एंड यू विल गेट फेल टू स्पीक इंग्लिश। और ये तो आप सबके साथ आज तक होते आया है, आपने कभी भी कोशिश की है, आपने कभी भी ये सोचा है कि आपको इंग्लिश क्यों नहीं आ रही है? गाइस आपको इंग्लिश ना आने का रीजन आप ही हो। आप कभी भी कंसिस्टेंसली या फिर फोकस के साथ अपने वीडियो को, किसी भी वीडियो को या फिर किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को आप पूरी शिद्दत के साथ करते ही नहीं हो। आप चाहे 10 मिनट अच्छे से करोगे, 15 दिन अच्छे से करोगे, फिर आप 20 दिन के बाद उसको छोड़ दोगे। गाइस आप डेडिकेटेड नहीं रहते हो, आप फोकस अपना पूरा नहीं देते हो, और यही रीजन है आप इंग्लिश तो क्या दुनिया का कोई भी टैलेंट नहीं सीख पाओगे। गाइस मैं, गाइस मुझे पता है मैं थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन सच है, इट इज द यू नो लाई, बट द थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। हाँ मेरे वर्ड्स थोड़े हार्ड हो सकते हैं, लेकिन गाइस मैं जो बोलने की कोशिश करो आप समझो, आपको कंसिस्टेंसी बतानी पड़ेगी, आपको फोकस के साथ इंग्लिश सीखना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन बताना पड़ेगा, तभी तो आप कोई चीज़ कर पाओगे। गाइस आपने बचपन में कभी ये कोशिश की है? आपने वो पता है कांच आता था, बिलोरी कांच आता था, उससे हम कागज जलाने की कोशिश करते थे, सूरज की किरणें आती थी और हम पकड़ के बैठते थे, आप सबने ये किया होगा। लेकिन आपको पता है हम उस चीज़ में एक ही चीज़ का ध्यान रखते थे, वो क्या था पता है, अगर हमारा कांच थोड़ा सा भी हिल जाता था ना तो कागज में आग नहीं लगती थी, पता है ना आपको? मतलब गाइस फोकस, अगर आपका फोकस थोड़ा भी हिल गया है ना तो आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। फिर आप ऐसा नहीं बोलोगे सर मैं तो 2 कलाक से लेके बैठा था कांच को, अभी तक जला नहीं। भाई साहब आपने फोकस ही नहीं दिया, तो लाइफ भी कुछ इसी तरह वर्क करती है। आप चाहे जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हो या फिर किसी भी रिलेशनशिप में क्यों ना हो, गाइस आप अपना फोकस आपका 110% उस चीज़ में होना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट गाइस? तो गाइस मैं आपके लिए ऐसे कई सारे वीडियो कभी कभी लेके आऊँगा, मोटिवेशनल वीडियो, सो दैट आप इन सब चीज़ों को नहीं सुनना नहीं है, आपको सुन के एक्सेप्ट करना है, आपको उसे सुन के फॉलो करना है, राइट गाइज? हाँ मैं मानता हूँ, मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि मैं गाइज बाहर हूँ, लेकिन आज आप भी के लिए आज भी मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइज, राइट? सो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज, थैंक यू।